तो आज हम बनाएंगे प्रोजेक्ट। वैसे तो हम अपने सभी वीडियोस में प्रोजेक्ट से बनाते हैं और मेरे सभी प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। सो ये रहा ये प्रोजेक्ट, आप देख सकते हैं। आज हम बनाएंगे प्रोजेक्ट, और ये जो प्रोजेक्ट है भैया एक बड़े तो नेक्स्ट लेवल वाला प्रोजेक्ट है मेरे सभी प्रोजेक्ट से सबसे ज़्यादा। वैसे तो मेरे सभी प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है भाई ये एक थोड़ा सा बिल्कुल यूनिक प्रोजेक्ट है। आपको ऐसा प्रोजेक्ट कहीं देखने को नहीं मिलेगा, और मेरे ख्याल से ये वाला प्रोजेक्ट यूट्यूब में फर्स्ट टाइम आया है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो अगर आपने ऐसा प्रोजेक्ट कहीं देखा है तो भाई मुझे कमेंट में बताना ज़रूर, मैं भी देखना चाहूँगा। सो गाइज, ये जो प्रोजेक्ट है ये एक्सीडेंट को कम करने के लिए है। आपने देखा होगा रोड में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते रहता है, सो उन सबको मैंने कम करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया है। और ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, यूज़फुल है। इस प्रोजेक्ट को आप साइंस एग्जीबिशन, इंस्पायर अवार्ड या फिर कोई भी साइंस कंपटीशन के लिए बना सकते हैं। और अगर आप इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं और अगर आप इसका प्रेजेंटेशन अच्छे से देते हैं तो मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो सकता है, जहाँ तक मेरा मानना है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस प्रोजेक्ट के बारे में किस तरह से प्रेजेंटेशन देते हैं और इसका वर्किंग किस तरह से आप बताते हैं। सो सारा कुछ तो आपके ऊपर डिपेंड रहता है। अगर प्रोजेक्ट बिल्कुल लुल्लू अगर प्रोजेक्ट बिल्कुल छोटा सा रहेगा, कुछ वर्क भी नहीं करेगा, और अगर आपका प्रेजेंटेशन 100% अच्छा रहेगा तो भाई प्रोजेक्ट कोई भी रहे आपका सिलेक्ट हो ही जाएगा। मैं हूँ हरीश चौधरी, आप देख रहे हैं हरीश प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल। ऐसे ही नए आइडियाज, नए वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में अच्छे अच्छे रील्स पोस्ट करते रहता हूँ, साइंस रिलेटेड, रोबोटिक्स और भी बहुत सारे वीडियोस मैं पोस्ट करते रहता हूँ। सो यहाँ पर भी मुझे फॉलो जरूर करना। वीडियो शुरू करने से पहले आप इसका एक डेमो वीडियो भी देख लो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और ये प्रोजेक्ट किस लिए है, क्या काम करता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये एक स्मार्ट ब्रेकर लगाया हुआ है। सो ये जो ब्रेकर है ये एक गाड़ियों के स्पीड के हिसाब से वर्क करता है। अगर गाड़ी का स्पीड लिमिट से ज़्यादा होता है तो ये ऑटोमेटिक इसका हाइट इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि जो ड्राइवर होगा उसको कुछ देर पहले पता चल जाएगा और वो अपने कार या फिर बाइक का स्पीड कम कर लेगा। यहाँ पर मैंने ये एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया है। जब ये रियल में बनेगा तो इसके जगह पर स्पीड डिटेक्टर सेंसर लगेगा, जिससे कि वो स्पीड को डिटेक्ट करेगा। अगर स्पीड ज़्यादा होता है तो ये ऑटोमेटिक इसका ब्रेकर ऊपर हो जाएगा। और इस ब्रेकर के जस्ट आगे ही मैंने ये एक जेब्रा क्रॉसिंग बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जेब्रा क्रॉसिंग के जस्ट साइड में ही मैंने कुछ LED लाइट्स का यूज़ किया हुआ है रेड कलर में। सो जैसे ही कोई जेब्रा क्रॉसिंग को पार करता है तो ये जो LED लाइट्स है वो जलता है, जिससे कि जो ड्राइवर होंगे उनको पता चल जाएगा कि भाई कोई पार कर रहा है जेब्रा क्रॉसिंग को, तो स्पीड कम कर लेना है। अगर स्पीड कम नहीं करेगा तो यहाँ पर ये ब्रेकर ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा, जिससे कि वो स्पीड कम कर ही लेगा। सो भाई इससे क्या होगा कि इससे एक्सीडेंट बहुत कम होगा, मेरे ख्याल से होगा ही नहीं है। ये जो टॉय है जैसे ही यहाँ पर ब्रेकर के पास आता है, जैसे ही चलते चलते आता है, तो यहाँ पर जो ब्रेकर है ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा। ये देख सकते हैं ये ऊपर हो गया, फिर से दिखाता हूँ मैं, अभी डाउन हो गया, अब ये देखो ऊपर हो गया। सो इससे क्या होगा कि जो ड्राइवर होगा वो अपने कार या बाइक का स्पीड कम कर लेगा। सो लेट्स गो। सो भाई इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें आर्डिनो यूएनओ चाहिए और आर्डिनो नैनो चाहिए, मतलब कि हमें दोनों आर्डिनो का जरूरत पड़ेगा। और हमें चाहिए यहाँ पर दो अल्ट्रासोनिक सेंसर, एक सर्वो मोटर। इन दोनों आर्डिनो को पावर देने के लिए चाहिए हमें केबल। तो यहाँ पर जो केबल है ये एक नैनो के लिए है और एक यूएनओ के लिए है। हम चाहें तो बैटरी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बैटरी में प्रॉब्लम होता है चार्जिंग का। सर्वो मोटर और अल्ट्रासोनिक सेंसर को कनेक्शन करने के लिए चाहिए जम्पर वायर्स। हमें चाहिए कुछ नॉर्मल वायर्स और हमें चाहिए कुछ LED लाइट्स। डिजिटल मॉडल बनाने के लिए चाहिए हमें कार्डबोर्ड। ये है एक ब्लैक चार्ट पेपर। भाई वैसे तो ये गंदा हो गया है, कोई बात नहीं, मैं इसको साफ़ कर लूँगा, पुराना हो गया बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये कुछ कार्डबोर्ड्स कट किया हुआ है अलग अलग साइज में। ये वाला जो कार्डबोर्ड है इसका यूज़ हम ब्रेकर के लिए करेंगे। आप देख सकते हैं ये बीच से फोल्ड हो सकता है। यहाँ पर मैंने टेप का यूज़ किया हुआ है, आप भी कुछ इस तरह से जुगाड़ कर सकते हैं। ये जो है ब्रेकर, हमारा ब्रेकर यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कनेक्शन आर्डिनो का।
यहाँ पर ये जो ऑरेंज वाला जो केबल है इसको हमें आर्डिनो के डिजिटल पिन नंबर 11 में कनेक्ट करना होगा, और रेड को हमें 3.3 वोल्ट में कनेक्ट करना होगा, और ब्राउन को हमें जेएनडी में कनेक्ट करना होगा। सो चलिए मैं इसमें जल्दी से कनेक्ट करता हूँ। सॉरी, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत बता दिया। ये जो है इसको हमें 5 वोल्ट में कनेक्ट करना होगा, लेकिन मैंने इसमें 3.3 वोल्ट में कनेक्ट कर दिया। सो इसको हमें निकाल कर 5 वोल्ट में कनेक्ट करना होगा। ये रहा 3.3 वोल्ट हमें सेंसर का कनेक्ट करना है। ओके, VCC को हमें 3.3 वोल्ट में कनेक्ट करना होगा, ट्रिग को डिजिटल पिन नंबर 8 में कनेक्ट करना होगा, एको को हमें डिजिटल पिन नंबर 9 में कनेक्ट करना होगा, और GND को GND से। इसका वर्क ब्रेकर को अप डाउन करने का रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर आर्डिनो UNO का कनेक्शन करेंगे LED लाइट के साथ और अल्ट्रासोनिक सेंसर के साथ। इसका VCC हमें 3.3 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट में कनेक्ट करना होगा, और ट्रिग वाला पिन है उसको हमें पिन नंबर 12 में कनेक्ट करना होगा, और एको को हमें डिजिटल पिन नंबर 13 में कनेक्ट करना होगा, और GND को GND से। यहाँ पर मैंने इसका कनेक्शन कर लिया है, देख सकते हैं सभी LED लाइट्स को। कनेक्शन करना बिल्कुल इजी है, लेकिन ध्यान से अगर करोगे तभी कनेक्शन हो पाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना सारा वायर्स मैंने कनेक्ट किया हुआ है। कोई बात नहीं, आप ये डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम को देख कर ईजिली कनेक्शन कर सकते हैं। सो चलिए मैं इसका एक बार वर्किंग दिखाता हूँ। सो जैसे ही सेंसर के पास अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो LED लाइट भी जलना शुरू कर देता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं चार्ट पेपर स्टिक करूँगा, ब्लैक चार्ट पेपर, उसके बाद हम इन सभी कंपोनेंट्स को सेटअप करेंगे। आपको यहाँ पर ये लाइन दिख रहा होगा, देख सकते हैं, इसको मैंने जेब्रा क्रॉसिंग के लिए बनाया हुआ है। सो यहाँ पर हमें कुछ हॉल्स करना पड़ेगा, एक साइड 6 हॉल्स करना पड़ेगा, इस साइड 6 हॉल्स और इस साइड 6 हॉल्स, वहाँ पर हम LED लाइट को सेटअप करेंगे। ओके, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इन LED लाइट्स को सेटअप किया हुआ है। यहाँ पर हमें सर्वो मोटर लगाना होगा, उसके बाद ये जो हमारा ब्रेकर है इसको अप डाउन करेगा कुछ इस तरह से, ये देखिए। सो ये 3 सेकंड तक ऊपर रहेगा। ओके, सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है ये 100% बनकर कंप्लीट हो चुका है, और ये अच्छे से वर्क भी कर रहा है। तो चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ ये किस तरह से वर्क करेगा और इसमें हमने क्या क्या फीचर ऐड किया है। कई बार होता है जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं लोग और जो ड्राइवर होता है वो ठोक देता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये एक स्मार्ट ब्रेकर लगाया हुआ है। सो ये जो ब्रेकर है ये एक गाड़ियों के स्पीड के हिसाब से वर्क करता है। अगर गाड़ी का स्पीड लिमिट से ज़्यादा होता है तो ये ऑटोमेटिक इसका हाइट इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि जो ड्राइवर होगा उसको कुछ देर पहले पता चल जाएगा और वो अपने कार या फिर बाइक का स्पीड कम कर लेगा। यहाँ पर मैंने ये एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया है, जब ये रियल में बनेगा तो इसके जगह पर स्पीड डिटेक्टर सेंसर लगेगा, जिससे कि वो स्पीड को डिटेक्ट करेगा। अगर स्पीड ज़्यादा होता है तो ये ऑटोमेटिक इसका ब्रेकर ऊपर हो जाएगा। सो ये जो सेंसर है इसको मैंने अभी इस प्रोजेक्ट में डेमो के लिए यूज़ किया हुआ है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इस ब्रेकर के जस्ट आगे ही मैंने ये एक जेब्रा क्रॉसिंग बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जेब्रा क्रॉसिंग के जस्ट साइड में ही मैंने कुछ LED लाइट्स का यूज़ किया हुआ है रेड कलर में। सो जैसे ही कोई जेब्रा क्रॉसिंग को पार करता है तो ये जो LED लाइट्स हैं वो जलता है, जिससे कि जो ड्राइवर होंगे उनको पता चल जाएगा कि भाई कोई पार कर रहा है जेब्रा क्रॉसिंग को, तो स्पीड कम कर लेना है। अगर स्पीड कम नहीं करेगा तो यहाँ पर ये ब्रेकर ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा, जिससे कि वो स्पीड कम कर ही लेगा। सो भाई इससे क्या होगा कि इससे एक्सीडेंट बहुत कम होगा, मेरे ख्याल से होगा ही नहीं एक्सीडेंट। जब ये रियल में बनेगा तो शायद इसके जगह कोई और सेंसर हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि सिर्फ ह्यूमन को डिटेक्ट करें या एनिमल्स को। ये जो प्रोजेक्ट है ये नेशनल विनिंग प्रोजेक्ट है, और ऐसा प्रोजेक्ट मैंने अभी तक नहीं देखा है यूट्यूब पर।
ये मेरा फर्स्ट वीडियो है पूरे यूट्यूब पर। अगर आपने देखा होगा ऐसा प्रोजेक्ट तो भाई आप मुझे बता देना, क्योंकि मैं नहीं देखा हूँ। चलिए मैं इसका वर्किंग दिखाता हूँ। सो जैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक छोटा सा टॉय है। ये जो टॉय है जैसे ही यहाँ पर ब्रेकर के पास आता है, जैसे ही चलते चलते आता है, तो यहाँ पर जो ब्रेकर है ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा। ये देख सकते हैं ये ऊपर हो गया। अब फिर से दिखाता हूँ मैं, अभी डाउन हो गया, अब ये देखो ऊपर हो गया। सो इससे क्या होगा कि जो ड्राइवर होगा वो अपने कार या बाइक का स्पीड कम कर लेगा, और अगर उसका स्पीड स्लो रहेगा तो ये ब्रेकर ऊपर नहीं होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं अगर कोई आदमी यहाँ पर इस जेब्रा क्रॉसिंग को पार कर रहा होगा तो यहाँ पर ये एलईडी लाइट्स ऑटोमेटिक जलना शुरू कर देता है। देख सकते हैं ये, और ऐसे ही सेंसर इस साइड भी लगेगा ताकि उस साइड से अगर कोई पार करता है जेब्रा क्रॉसिंग को तो भी लाइट जले, और इस साइड से अगर पार कर रहे तो भी लाइट जले। तो यहाँ पर हमें दोनों साइड सेंसर यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन मैंने एक साइड ही यूज़ किया है, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर। हमें इस साइड भी यूज़ करना पड़ेगा। वैसे तो मैंने ये प्रोजेक्ट डेमो के लिए बनाया है, लेकिन भाई ये प्रोजेक्ट वर्किंग है 100%। देख सकते हैं आपको मैंने प्रूफ भी दिखा दिया है। इसको मैंने बहुत मेहनत से बनाया भाई। इस चीज़ के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और हाँ अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई ऐसा प्रोजेक्ट बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आइडिया ढूंढना पड़ता है, उसके बाद मॉडल बनाना पड़ता है, सर्किट बनाना पड़ता है, पूरा सामान लाना पड़ता है, भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। सो मेरे इस मेहनत के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।